हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट सर्कल 07। मैं हूं जयंत और आज हम लोग एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों ने बहुत सारा अच्छा फीडबैक दिया है और बहुत सारे लोगों ने बोल रहे हैं कि आगे इस तरीके के और भी वीडियो बनाएं हम लोग। तो आज का जो वीडियो है हम लोग बनाने वाले हैं, तो उसका डिज़ाइन रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमने किस तरीके से बनाया, पहले थोड़ा आइडिया आप लोग को दे देता हूँ। तो हमने क्या किया है, दो टेम्पलेट जो हैं कैनवा में, उनको कॉम्बाइन करके दोनों का कुछ कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स जोड़ के एक खुद का एक कस्टम डिज़ाइन बनाया है। तो ये एक है जो मार्केटिंग एजेंसी का टेम्पलेट है, और ये एक है जो वॉलीबॉल का शेड्यूल का एक है। तो हम तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसी में डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स हम इसी का यूज़ करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। तो इसको सिंपली क्लिक कर लूँगा मैं और यूज टेम्पलेट पे जाऊँगा, और यूज टेम्पलेट पे जाने के बाद यहाँ से मैं जो भी मेरा अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकाल दूँगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे इसमें काम के नहीं है। तो ये नहीं चाहिए, ये सारे अनवांटेड चीज़ों को निकाल देते हैं हम लोग। सिंपली सिलेक्ट करना है आपको और डिलीट बटन प्रेस करो, तो ये सब निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक सही है। अभी हमें टाइटल जो चाहिए, टाइटल हम ऊपर ले जाएंगे। ओके, और यहाँ से इसको स्ट्रेच कर देते हैं, और हमारा जो टेक्स्ट है, मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरीज एट नंबर 3 पोजीशन, वो टाइप कर लेंगे। ओके, अभी इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट निकाल देना, लेफ्ट अलाइन ही रखना, क्योंकि ये सही नहीं दिखेगा। और फॉन्ट साइज हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि वो दो लाइन में आ जाए, तो जो भी फिट बैठे वहाँ पे। मेरे ख्याल से ये सही है, 48 हमने रखा है, और इसको थोड़ा हम और नीचे ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुट जा रहा है। ओके, अभी सही है। अभी हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमें दूसरे डिज़ाइन से मिलेगा, जो हमारा ये वॉलीबॉल वाला था। तो इसको मैंने न्यू टैब में ओपन कर रखा है। यहाँ से हमें सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट को, मतलब तीन चार एलिमेंट जो है, इसको पूरा माउस से आप सिलेक्ट करो और सिर्फ उसी को कॉपी करना है हमें। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है, और इसको अलाइन करेंगे जो हमारा हेडिंग है उसके साथ, तो थोड़ा लेफ्ट अलाइन करके बस हो गया। और यहाँ से हमें फेब की ज़रूरत नहीं है, नंबर अभी क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट बॉक्स है तो नहीं दिख रहा है, तो इस बॉक्स को हम कर लेंगे रेड, लाइट रेड, और ये वाला जो नीचे का येलो बॉक्स है इसको कर देंगे डार्क रेड। टेक्स्ट को कलर कर देंगे फॉन्ट वाइट, क्योंकि दूसरा कलर कुछ दिख नहीं रहा है, और ये जो ब्लू है इसको कर देंगे हम लोग डार्क। ओके, देन इसको भी कर देंगे वाइट। ओके, अभी ये 25 को हमें अलाइन करना है सेंटर बॉक्स का, सेंटर हो गया बॉक्स। आप कीबोर्ड से डाउन बटन प्रेस करके कर सकते हो। देन इस टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं, जो प्लेयर का नेम है। ओके, देन नीचे वाला हमारा रहेगा कंट्री का नाम। ओके, तो आप ये अगर हमारा डिज़ाइन देखोगे तो रिकी पॉन्टिंग हमने सारे कैप्स में नहीं लगा, हमने अल्फाबेटिकल लिया है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप स्पेसिंग के हिसाब से, प्लेयर नेम के हिसाब से, अपने हिसाब से रख सकते हो। देन यहाँ से इसको हम जितना भी साइज है छोटा कर लेंगे, और ये बॉक्स को हम प्लेयर नेम क्योंकि छोटा है तो छोटा ही कर लेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें 6 प्लेयर के नेम्स चाहिए, तो हमें ये एलिमेंट कॉपी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फुटबॉल का अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम जो तीन चार एलिमेंट जितने भी हैं उनको हम ग्रुप कर देंगे। तो ये ग्रुप करने के लिए तीन लाइन पे क्लिक करना है, ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये अभी सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक से, फिर से सब कुछ सिलेक्ट करके तीन लाइन पे जाएंगे, ग्रुप कर देंगे। तो अभी ये एज ए सिंगल यूनिट बन गया है, अभी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी अलाइनमेंट करना है, देन फिर से आप दोनों को कंबाइनली कंट्रोल सी कंट्रोल वी
तो याद रखना हमने कितना स्पेसिंग दिया था, 11 का स्पेसिंग दिया था, तो 11 फिर से 11 का दे दिया। फिर से दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल से कंट्रोल पे, तो यहाँ पे फिर से हमें 11 का देना है, हो गया। तो हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी प्ले यहाँ से ये इमेज को जगह आपको प्लेयर की इमेज चाहिए, प्लेयर की इमेज आप गूगल से HD इमेज ले सकते हो, या फिर गेटी इमेजेस से ले सकते हो, या फिर क्रिक इन्फो से ले सकते हो, ट्विटर से ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको जो प्लेयर का अच्छा इमेज मिल जाए आप वहाँ से इमेज ले सकते हो। देन उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अपलोड था, मैंने डायरेक्टली अपलोड सेक्शन में जाके ले आया। देन इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है एडिट इमेज। देन यहाँ पे कैनवा प्रो में आपको बैकग्राउंड रिमूवर मिल जाएगा। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो पिंग करना, हम आपको लिंक दे देंगे, ट्रायल पीरियड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, 15 डेज का ट्रायल पीरियड रहता है। या फिर आप remove.bg या दूसरे प्लेटफॉर्म जो भी रहते हैं बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, आप प्लेयर का इमेज को थोड़ा एडजस्ट करके इसको पोजीशन कर सकते हो, इसको खींच के फिर। लेफ्ट राइट से खींच दिया है, देन थोड़ा नीचे हम, ओके डन, ऑलमोस्ट अभी बन गया। अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्लेयर का इमेज को और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए उसको इमेज के ऊपर क्लिक करो, एडजस्ट ऑल में जाओ, देन यहाँ से क्लैरिटी आपको 50 या 60 आप कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कहाँ पे अच्छा लगता है। देन वाइब्रेंस भी आप 60 या 100 कर सकते हो। देन देखो अभी हमारा डिज़ाइन रेडी है। उसके बाद आप ये नंबर्स चेंज कर सकते हो, प्लेयर के नाम चेंज कर सकते हो, कंट्री का नाम चेंज कर सकते हो। कोई भी प्लेयर का नाम अगर बड़ा हो जाता है, स्पेस नहीं मिलता है यहाँ पे, तो सबको आप अनग्रुप कर देना पहले। ये सबको एक बार आपने कॉपी पेस्ट कर दिया ये सब, तो ये सबको आप सिलेक्ट करके अनग्रुप कर देना। और अनग्रुप करने के बाद प्लेयर नेम चेंज करना, नंबर्स चेंज करना, कंट्री का नाम चेंज करना। कहीं पे भी अगर प्लेयर का नाम बड़ा हो रहा है, रिकी पोंटिंग के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, तो जो भी सबसे बड़ा है उसके हिसाब से आप ये बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। बट ट्राई करना कि सारे बॉक्सेस एक ही लाइन में रहें, तो वो डिज़ाइन अच्छा दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर पे आप अपना लोगो लगा सकते हो, जिस तरह से हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे नीचे स्पेसिंग है, यहाँ पे आप अपना सोशल हैंडल के लिंक्स बता सकते हो, यूजर नेम्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो क्रिकेट से रिलेटेड पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, या नया पेज क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए भी शेयर करो। और कमेंट ज़रूर करना यार, वीडियो आप शेयर ना करो चलेगा, लाइक ना करो चलेगा, बट कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कि ट्यूटोरियल कैसा लगा, इजी था, डिफ़िकल्ट था, या बहुत फास्ट मैंने बता दिया है। तो उस तरीके से हम आगे के ट्यूटोरियल में उस तरीके का इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और होपफुली आप लोग को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो और कोई भी दूसरा कोई भी क्वेश्चन हो कैनवा से रिलेटेड, या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या कोई पर्टिकुलर और डिज़ाइन हमारे पेज में जो हम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड अगर ट्यूटोरियल आप चाहते हो कि हम बनाएं, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इंस्टेंट अगर कुछ रिप्लाई चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे creativity.edits पे जाके मैसेज ज़रूर करना। हम यहाँ पे हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और फॉलो अगर नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। फॉलो में क्या पड़ता है, आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। तो फॉलो करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।